और झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। हंगामे को देखते हुए स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। इन विधायकों में भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, ढुल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल शामिल हैं। सभी को सदन के सत्र के अंतिम दिन तक निलंबित किया गया है। अब ये विधायक सदन के बाकी बचे हुए कार्य दिवस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं विधानसभा परिसर का। हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए आज सदन की कार्यवाही में जिस तरह से बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, उसके बाद 4 विधायकों को अगले जो बचे हुए कार्य दिवस है उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। जी, पूरे कार्य दिवस के लिए निलंबित नहीं किया गया है, 4 अगस्त तक के लिए। जिस तरह से जो सदन के अंदर आचरण था इन 4 विधायकों का, रणधीर सिंह, ढुल्लू महतो, जेपी पटेल और भानु प्रताप शाही, इनको स्पीकर ने इनके आचरण से आहत होकर सदन की कार्रवाई के अंतिम दिन से एक दिन पूर्व तक, यानी कि 5 तारीख तक सदन है, 4 अगस्त तक के लिए इन 4 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। अंतिम दिन क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल लाना होता है, तो इसके चलते अंतिम दिन वो सत्र की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि 4 अगस्त तक भाजपा के 4 विधायकों को सत्र की कार्रवाई से निलंबित किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर वो गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, रिपोर्टिंग टेबल थपथपा रहे थे, और लगातार पहले दिन से बीजेपी के विधायकों के इस आचरण पर स्पीकर जो है वो टिप्पणी करते आए थे। कल भी उनकी टिप्पणी हुई थी और आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के विधायक अगर जिस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं उस तरीके से सदन नहीं चलेगा, क्योंकि एक दल पूरे सदन को बाधित नहीं कर सकता। और जी, लगातार जब बीजेपी विधायकों की नारेबाजी और हूटिंग सदन के अंदर जारी रही, इस बीच प्रदीप यादव ने स्पीकर से कहा कि अब समय है कि कुछ कड़ी कार्रवाई जो आसन है वो करे। इसी के बाद स्पीकर ने इस बात की घोषणा की कि रणधीर सिंह, ढुल्लू महतो, जेपी पटेल और भानु प्रताप शाही 4 अगस्त तक की कार्रवाई के लिए सदन से निलंबित रहेंगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इस हंगामे के बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल जरूर है। जिस तरीके से नदियों का शहरी प्रदूषण की वजह से जो गंदगी फैल रहा है उसको लेकर सरयू राय ने जो सवाल सदन में लाया था, उसमें सरकार के उत्तर को चुनौती देते हुए सरयू राय ने कहा है कि सर, ये सरकार का उत्तर पूरी तरीके से गलत है और अगर उनका दावा गलत होगा तो वो सदन से इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद स्पीकर ने मंत्री चंपई सोरेन और सरयू राय को जाकर नदी की स्थिति का आकलन करने का एक तरह से आसन से नियमन दिया, और जिसके बाद अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही कि सरयू राय हरमो और स्वर्णरेखा नदी का जहां पर संगम होता है वहां पर जाकर नदियों के प्रदूषण के मामले की जांच कर यहां पर सदन को अपनी रिपोर्ट देंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय के बाद झारखंड विधानसभा में इतनी बड़ी पैमाने में विधायकों को निलंबित किया गया है। इससे पूर्व जब CNT SPT एक्ट का मामला सदन में आया था और रघुवर दास की सरकार थी तब 6 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया था। उसके बाद अभी यह मौका मिला है जब सदन गतिरोध को देखते हुए स्पीकर ने इतना बड़ा निर्णय लिया हो। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और आपको बताएं कि आज भी सदन में हंगामा हुआ और हंगामे के बीच बीजेपी के 4 विधायकों को जो बाकी बचे कार्य दिवस हैं उसके एक दिन पहले तक, यानी 4 अगस्त तक के लिए कार्य दिवस में हिस्सा लेने से, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया। पहले बीजेपी विधायकों ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। क्लीन सरकार जिस प्रकार रघुवर दास जी ने 5 साल चलाया था, उस तरह का क्लीन सरकार अगर ये सरकार चलाती तो मुझे लगता है कि कोई समस्या आगे उत्पन्न ही नहीं होती। लगता है कि क्षेत्र की जनता का कल्याण होता। आज क्षेत्र की जनता के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, ईडी के बारे में सोच रही है, कांग्रेस के बारे में सोच रही है, इन सब चीजों में उलझ के रह गई है। क्षेत्र की जनता से कोई सरकार नहीं बचा। देखिए, इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, इस्तीफा मांगने की बात ही है, इस्तीफा तो स्वतः दे देना चाहिए। मगर माननीय हेमंत सोरेन जी के इर्द गिर्द में रहने वाले पिंटू श्रीवास्तव, पंकज मिश्र कौन है? कार्यालय से लेकर के प्रखंड कार्यालय से लेकर के राज्य के शीर्ष तक भ्रष्टाचार के काले कारनामों से झारखंड दागदार हो रहा है और इसी दागदार को लेकर के इस राज्य के अंदर जो अराजकता पैदा हुई है
उस अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।